की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए 5 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले। प्रदूषण के डर से स्कूल में आने वाले ज्यादातर बच्चों की संख्या कम रही। प्रदूषण की दहशत से अभिभावक एवं बच्चे मास्क लगाकर स्कूल आए। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि 5 दिन बाद स्कूल खुलने पर भी अभिभावकों एवं बच्चों के दिमाग से प्रदूषण का डर खत्म नहीं हुआ है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए अभिभावक बच्चों के मुंह पर मास्क लगाकर सुरक्षित बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रहे हैं। वहीं अभिभावकों ने बताया कि अभी भी प्रदूषण है, जिसके कारण आंखों में मिर्ची सी लग रही है और गले में खराश हो रही है। अभी आंखों में धूल मिट्टी बहुत जमती है, लगता है ना हमको प्रदूषण हो जाए, कभी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, बच्चे को ज्यादा धूल मिट्टी से भी बचाना होता है, इसलिए नहीं नहीं अभी भी है, पॉल्यूशन अभी भी काफी है, इसीलिए हमने खुद भी लगा रखा है और बच्चों का भी लगा करके लाए हैं। देखो बच्चा भी है, मास्क लगाना क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, इसीलिए लगा जा रहा है और बच्चों इसी की छुट्टी हुई है, दूसरी हुई है तो इसी कारण मास्क लगाया जा रहा है। फॉग की कंडीशन बहुत खराब है एक्चुअली, ये फॉग धुएं और फॉग से स्मोक बना हुआ है ये, और ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए डर तो अभी भी है। कंधे पर बैग लटकाकर मुंह पर मास्क लगाए ये बच्चे लिटिल फ्लावर यमुना विहार स्कूल के हैं। स्कूल प्रबंधक ने भी बच्चों को मास्क लगाकर स्कूल आने की सलाह दी है, इससे बच्चे अपने को सुरक्षित और प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क लगाकर स्कूल में आए हैं। बच्चों की माने तो उनकी पढ़ाई ना छूटे, इसके लिए वे मास्क लगाकर स्कूल में आ रहे हैं। थोड़ा बहुत है लेकिन गंदगी तो है, और गंदगी भी बहुत है, इसलिए स्कूल में जाते हम लगा के जाते हैं और हमें अपने आप को अच्छा फील होता है। हाँ पॉल्यूशन हो सकता है, अभी बहुत ज़्यादा है, फिर भी देख लीजिए अभी भी इतना सारा धुआं, इतना के प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा, इस वजह से मास्क लगाना पड़ा। बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है, हम लोगों का स्कूल भी खुले, हम लोगों को मास्क भी लगाने पड़ रहे हैं। भले ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर 5 दिन तक स्कूल बंद कर दिए हो, मगर प्रदूषण का डर कहीं ना कहीं अभिभावकों के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बच्चों को मास्क लगाकर स्कूल भेज रहे हैं। वैसे भी प्रदूषण का प्रकोप कम तो हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। गीता वर्मा की रिपोर्ट, तेज निगाहें दिल्ली।